इसमें मैं थोड़ी सी दालचीनी भी डालूंगी। इसके बाद हम इसमें डालें दालचीनी और थोड़ी सी किशमिश डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। इसमें हमने तेल डाला है, किशमिश डाली है, दालचीनी डाली है, छोटी इलायची डाली है। अब हम इसमें डालेंगे अपना पेस्ट जो हमने टमाटर और काजू का बनाया हुआ है। टमाटर और काजू का पेस्ट डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। काजू डालने से इसकी पेस्ट ग्रेवी बहुत ही अच्छी स्मूथ क्रीमी और बहुत ही हेल्दी बनती है, बिकॉज़ इससे पनीर लबाबदार। तो हम सब जाते हैं रेस्टोरेंट में और ये एक ऐसी डिश है जो हम सब ऑर्डर करना चाहते हैं। अब हम इसमें प्याज और काली मिर्च और जीरे का पेस्ट डाल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये ग्रेवी में टमाटर है, प्याज है, काजू है और थोड़ी सी किशमिश है, गरम मसाले हैं, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा। इन सबको अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी ले ली है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इन सबको मिक्स करके हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। ये देखिए, अब इसमें अच्छा सा लाल रंग आ गया है, सूखे मसाले, लाल मिर्च और धनिया, हल्दी, ये सब सूखे मसाले मिलाएं, गरम मसाला पाउडर, और इसको अच्छे से ग्रेवी को पकाएं। इतने में हम थोड़ा सा पनीर काट लेते हैं, क्योंकि ये पनीर लबाबदार है तो मैं बड़े बड़े टुकड़े काट रही हूँ। इसमें मैंने पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं। अब ये बहुत ही लबाबदार पनीर लग रहा है। अब आप चाहें तो इसमें थोड़े से अदरक के जूलियंस डाल सकते हैं और हरे धनिए से गार्निश कर सकते हैं।